23 तारीख को जैतपुर थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राहुल राज उर्फ छोटू सिंह है, सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस आलोक में प्राथमिकी भी जैतपुर थाना के अंतर्गत दर्ज की गई, जो माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी हैं उनके आवेदन के आधार पर, और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पर हत्या के अंतर्गत जो है हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी, उनके नेतृत्व में उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी। इसमें सदर SDPO भी थे, इसके अलावा हम लोगों की जो DIU की टीम है वो भी थी। SDPO सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे, और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो FSL की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था, और जो उनका प्राथमिक मंतव्य था उससे हम लोगों का अवगत कराया गया था। इसमें पुलिस का रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही घटना घटित हुई है और पुलिस 1 से 1.5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते वो मृत हो गए। इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक CCTV फुटेज को खंगाला है, और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन एक पिकअप है जिसके चालक जो है मोहम्मद, क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिचरा एक जगह है पानापुर करियात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो स्वीकृति बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज़ गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज़ गति में थी, उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया, और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो इनकी गाड़ी से टकरा गई और जो बुलेट सवार थे वहीं पर गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पर उतरे, उतरने के बाद में इसने वहाँ पर देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, ये घबरा के वहाँ से भाग गया। और ये भागने के दौरान में जो टोल प्लाजा पड़ता था उसको ना क्रॉस करके ये जो अंदरूनी सड़क है गाँव की ओर जाती है वहाँ ये गए। ये एक टेंट हाउस का बिजनेस भी करते हैं और सरैया के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है जहाँ पर इनको टेंट हाउस का सामान लेके जाना था, और वो सामान लेके जा रहे थे। इनके अभी तक का हम लोग ने जो भी इनके मोबाइल के डिटेल्स हैं या जो भी और तरीके हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने अभी तक काम किया है। अभी तक की जांच में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फर्दर और काम कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो भी आगे आएगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत करेंगे। प्री प्लानिंग तक अभी तक की जाँच में तो ऐसा हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी तक की जाँच में हम लोगों को दुर्घटना का ही मामला लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के जांच के और अनुसंधान के भी काफ़ी आयाम बचे हुए हैं। चूंकि आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है तो हम लोग अभी रात्रि में पूछताछ भी करेंगे और आवश्यक होगा तो रिमांड पे लेके और फर्दर पूछताछ करेंगे, और कुछ डिटेल्स हम लोगों के सामने जैसे आते हैं उस दिशा में हम लोग अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे। बट अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला है।